दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, सेफ होंगे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में सॉयल पोल्यूशन के ऊपर बात करेंगे। आज हम इस वीडियो में बहुत ही अच्छे से देखेंगे सॉयल सॉयल पोल्यूशन का क्या मीनिंग होता है, क्या कॉजेज होता है, क्या इफेक्ट होता है, कैसे हम सॉयल पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले उसको प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करके ऑप्शन क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। दोस्तों सॉयल पोल्यूशन का मीनिंग होता है कंटेमिनेशन ऑफ सॉयल ड्यू टू हार्मफुल सब्सटेंसेस। जब सॉयल में हार्मफुल सब्सटेंसेस का मिक्स होता है तब सॉइल दूषित हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं सॉइल पोल्यूशन। जब सॉइल में मिट्टी में हार्मफुल सब्सटेंसेस का मिक्स होता है तो उससे जो सॉइल का दूषण होता है तो उसे हम कहते हैं सॉइल पोल्यूशन। अगर हम मेजर कॉजेज की बात करें जिससे सॉइल पोल्यूशन होता है, तो इंडस्ट्रियल वेस्ट से सॉइल पोल्यूशन होता है, प्लास्टिक से सॉइल पोल्यूशन होता है, माइनिंग से सॉइल पोल्यूशन होता है, जब केमिकल यूज़ किया जाता है एग्रीकल्चर में तो उससे भी सॉइल पोल्यूशन होता है, एसिड रेन से भी सॉइल पोल्यूशन होता है। तो ये कुछ मेजर कॉजेज है जिससे सॉइल पोल्यूशन होता है। दोस्तों अगर हम इफेक्ट की बात करें कि सॉइल पोल्यूशन का क्या मेजर इफेक्ट है, तो सॉइल पोल्यूशन से डिजीज़ हो सकते हैं ह्यूमन में एज वेल एज एनिमल में। उसके बाद सॉइल जो फर्टिलिटी है उसका डैमेज होता है, एग्रीकल्चर का लेस प्रोड्यूस होता है ड्यू टू जो फर्टिलिटी कम होता है उससे। उसके बाद डेसर्टिफिकेशन भी होता है। तो ये दोस्तों मेजर इफेक्ट है सॉइल पोल्यूशन का। अगर हम बात करें हम सॉइल पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो हमें लेस यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ कम करना पड़ेगा, प्लास्टिक का यूज़ को कम करना पड़ेगा, ग्रेजिंग को कंट्रोल करना पड़ेगा, और हमें पब्लिक अवेयरनेस को स्प्रेड करना पड़ेगा। तो ये दोस्तों सॉइल पोल्यूशन के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो है। तो मैं आशा करता हूँ वीडियो सबके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। चलिए इतना दोस्तों, गुड बाय, चलिए स्वस्थ रहिए।